नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। मेरे क्लासेस ऑफलाइन अटेंड करने के लिए या फिर पेड ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करने के लिए कांटेक्ट करें 8770123687 पर। साथ ही योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल पर जाएं और प्लेलिस्ट में जाकर देखें, आपको कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी आपको फ्री में करने को मिल जाएंगे। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाइए, चाहे आप CGPSC प्री दिला रहे हों, मेंस दिला रहे हों, चाहे इंडिया लेवल के किसी भी एग्ज़ाम्स आप फाइट कर रहे हो, SSC, रेलवे, बैंकिंग, सारे सब्जेक्ट वाइज आपको प्लेलिस्ट में टॉपिक मिल जाएंगे। ठीक है, आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल और प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियोस देखिए। धन्यवाद। वेलकम स्टूडेंट, मैं अजय कुमार देशभ्रतार, स्वागत है आपका फिर से योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। कल हमने देखा कि वर्गमूल कैसे निकालते हैं, आज का टॉपिक ये है कि घनमूल कैसे निकालें या क्यूब रूट इसी को बोलते हैं, क्यूब रूट कैसे निकालें, इसका भी शॉर्ट ट्रिक हम यहाँ पर देखेंगे। क्यूब रूट कैसे निकालेंगे, इसके लिए हमें जैसे स्क्वायर रूट निकाल रहे थे तो उस समय स्क्वायर टेबल अपन याद किए थे, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, उसी तरीके से इसमें भी क्यूब रूट का मतलब क्यूब टेबल को याद करना है। 1 का क्यूब कितना होगा 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 213, 8 का 512, 9 का 729, 10 का होता है 1000। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पर दिया हुआ है घन क्यूब रूट ऑफ 24389, इसको निकालना है। इसके लिए हम स्क्वायर रूट में क्या करते हैं, जैसे स्क्वायर रूट था मान लो 144 का, तो अपन पीछे पेयर बनाते थे 2 का, ये स्क्वायर रूट के लिए था, पीछे पेयर अपन 2 का बनाते थे। लेकिन क्यूब रूट में क्या करना है, यहाँ पर पावर 3 है तो पेयर हमको लास्ट से 3 डिजिट का बनाना है, 1 2 3। उसके बाद हमको फिर इसमें भी हम यूनिट डिजिट को देखते थे, यूनिट डिजिट क्या है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पास क्या है 9 है, तो 9 को देखना है, यूनिट डिजिट यहाँ पर 9 है। अब फिर हम कहाँ पास आ जाएंगे, क्यूब टेबल में, क्यूब टेबल में ये देखना है कि किसका क्यूब में 9 आ रहा है, तो 9 किस में आ रहा है, यहाँ पास 9 आता है 9 में, 9 का क्यूब करेंगे तो 729 होता है। यूनिट डिजिट क्या है, यहाँ पास 9 है, तो हमको क्यूब टेबल में ये देखना है कि किसका क्यूब रूट 9 आता है, तो इसमें दिख रहा है 9 का 9 ही होता है, तो इसका जो क्यूब रूट निकालेंगे उसका आंसर में यूनिट डिजिट में क्या आएगा, 9 आएगा, तो 9 यहाँ पर सेलेक्ट हो गया यूनिट डिजिट के लिए। इसका क्यूब रूट में जो भी आंसर आएगा उसका यूनिट डिजिट में 9 उसका आंसर होगा। अब इसको हम छुपा देते हैं, बचा क्या 24, वहाँ पर रिमाइंडर बच रहा है, 24 बचा है, तो हम फिर से क्यूब टेबल में आएंगे, क्यूब टेबल में ये देखेंगे कि 24 टेबल ऐसे पढ़ना है कि 24 से कम आना चाहिए, तो यहाँ पर 2 का क्यूब करते हैं तो 8 आ रहा है, 3 का करते हैं तो 27 आ रहा है, तो ये ज़्यादा हो रहा है ये, तो ये वाला सेलेक्ट नहीं करेंगे हम, किसको सेलेक्ट करेंगे, 2 को करेंगे, क्योंकि 24 से कम लेना है, यहाँ पर 2 आ जाएगा इसका राइट आंसर, राइट आंसर क्या आ गया इसका 29। विद इन अ सेकेंड में ये अगर प्रैक्टिस हो जाएगा तो विद इन अ सेकेंड हम फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी नंबर का क्यूब रूट। सेकेंड एग्जाम्पल यहाँ पर ये है 6 8 9 2 1, इसका क्यूब रूट निकालना है। फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ पर लास्ट से 3 डिजिट सेलेक्ट करेंगे, लास्ट से 3 डिजिट क्या है 921, इसका यूनिट प्लेस देखना है, यूनिट डिजिट क्या है 1 है। अब 1 का क्यूब ऐसा क्यूब टेबल पढ़ना है कि 1 का जो क्यूब है मतलब यूनिट डिजिट किस में आ रहा है, 1 का हमेशा 1 में आता है, तो इसका जो क्यूब रूट का आंसर आएगा उसका यूनिट प्लेस मतलब इकाई का अंक हमेशा क्या होगा 1 आएगा। ठीक है, अब इसको हम छुपा देंगे, बचा क्या 68 बच रहा है, क्यूब का टेबल फिर से पढ़ेंगे, 1 का 1 होता है, 2 का 8 हुआ, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, तो हमको 68 से कम लेना है, तो 5 का लेंगे अगर क्यूब करते हैं अपन तो 125 हो रहा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 सेलेक्ट हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया 41। इसी तरीके से थर्ड एग्जांपल और है, इसमें भी पीछे से 3 डिजिट को अपन सेलेक्ट करेंगे और इसका यूनिट प्लेस यूनिट डिजिट पे फोकस करेंगे, क्या है यहाँ पास 4 है, 4 है, तो इसमें फिर से क्यूब टेबल में देखना है कि 4 किसके क्यूब में आ रहा है, 4 का क्यूब कर रहे हैं तो 64 आ रहा है, तो ये वाला सेलेक्ट हो गया, इसका मतलब ये है कि इसका जो आंसर है उसका यूनिट प्लेस में 4 आएगा ही। अब इसको फिर से छुपा देंगे, बच क्या रहा है 262 बच रहा है, फिर से क्यूब टेबल में आ गए, क्यूब टेबल में आके ये देखना है कि 262 से कम होना चाहिए या तो बराबर होना चाहिए, तो 262 से कम क्या है
सिक्स का क्यूब किए तो 216 आ रहा है, सेवन का करें तो 343 आ रहा है। तो हमको क्या लेना पड़ेगा यहाँ पर, सिक्स लेना पड़ेगा। 64 इसका क्या हो गया राइट आंसर। स्क्वायर रूट में हमको दो ऑप्शन मिलता था, लेकिन क्यूब रूट में हमको एक ही ऑप्शन मिलेगा जो सही रहेगा। जैसे इसका एक ही ऑप्शन मिल रहा है, उसमें क्या दो मिलता था, इसमें डायरेक्ट आंसर आ जा रहा है। अगर ऑप्शन में मान लो, जैसे इसी क्वेश्चन का ऑप्शन दिया हुआ है, ए 61 दिया हुआ है, बी दिया है 62, सी दिया हुआ है 63 और डी दिया हुआ है 64, तो इसका यूनिट प्लेस को देखते हुए ही हम ये सेलेक्ट कर सकते हैं, आगे सॉल्व करने का ज़रूरत नहीं है। जैसे इसका यूनिट प्लेस में 4 है, तो 4 का हमेशा यूनिट प्लेस में क्या आएगा, 4 आएगा। 4 का क्यूब कितना होता है 64। तो यहाँ से हम डायरेक्ट यहाँ से टिक करके आगे बढ़ सकते हैं, आगे का सॉल्व करने का ज़रूरत नहीं है। इस एग्जांपल से हम लोग ने ये समझा कि किसका कैसे पहचानेंगे, मतलब किसका क्यूब रूट में यूनिट प्लेस में क्या आएगा। तो इसमें यूनिट प्लेस में अगर 1 है तो उसका हमेशा यूनिट प्लेस में जो आंसर आएगा वो हमेशा 1 होगा। उसी तरीके से 2 में 8 है, ठीक है, इसको याद रखना। 2 अगर यूनिट प्लेस में है, क्वेश्चन में अगर क्यूब रूट निकालना है, यहाँ ए बी सी कुछ भी हो, अगर यहाँ पर 2 है यूनिट प्लेस में, तो उसका जब आंसर निकालेंगे तो उसका यूनिट प्लेस में क्या आएगा, 8 आएगा। यहाँ आगे का तो इधर से देख के निकाल लेंगे, 8 हमेशा आएगा। 2 अगर यूनिट प्लेस में है तो उसका आंसर हमेशा 8 में आएगा, तो 2 का 8 होगा। और सेम इसका अपोजिट क्या होता है, 8 का 2 हो जाता है। अगर सेम क्वेश्चन दिया हुआ है कुछ ए बी सी, इसमें कुछ भी डिजिट हो सकता है, और यहाँ लास्ट में यूनिट प्लेस में क्या दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, तो अगर इसका अपन आंसर निकालेंगे, ये क्यूब रूट है ना, आंसर निकालेंगे तो 8 है तो उसका क्या आ जाएगा आंसर, 2 आएगा। 3 का करेंगे तो क्या आएगा, 3 का क्यूब कर रहे हैं तो इसका यूनिट प्लेस में क्या आ रहा है, 7 आ रहा है, तो इसमें 3 का हमेशा 7 आएगा। ये क्वेश्चन वाले है, ये क्वेश्चन का नंबर है ना, और ये आंसर का यूनिट प्लेस है, ये क्वेश्चन का है। 3 का करने से 27 आता है क्यूब, तो जब यूनिट प्लेस में 3 दिखेगा तो अपन उसका आंसर में क्या लिखेंगे, 7 लिखेंगे। तो यहाँ 3 का 7 लिखे, जस्ट इसका अपोजिट 7 का, अगर क्वेश्चन में अगर 7 दिख रहा है तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ 7 का देखो क्यूब करेंगे तो 343 आ रहा है, तो ये 3 क्वेश्चन में अगर 7 दिया हुआ यूनिट प्लेस में तो उसका आंसर 3 होगा, अगर 3 दिया हुआ है तो 7 होगा, दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। 2 का और 3 का याद करना इजी हो गया, 1 का तो 1 ही होगा। उसी तरीके से 5 अगर होगा तो 5 का हमेशा क्या आएगा, 5 आएगा, क्योंकि 5 का क्यूब करेंगे तो 125 आ रहा है, यूनिट प्लेस 5 होगा तो उसका आंसर क्या आएगा, 5 आएगा। सेम उसी तरीके से 6 का देखते हैं, 6 का भी क्या आता है, हमेशा 6 आता है। अगर ये ट्रिक याद कर लेते हैं तो हमको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, हम ऑप्शन से ही सीधा पिक कर सकते हैं राइट आंसर। 9 का कितना होगा, 729, मतलब 9 अगर यूनिट प्लेस में है तो उसका भी आंसर 9 ही होगा। और 10 का तो कोई भी कॉमन बता सकते हैं, 10 का हमेशा 10 होता है, मतलब 0 है तो 10 लिखेंगे या 0 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, इस ट्रिक का अपन यूज़ करके सीधा ऑप्शन से ही पिक करके हम राइट आंसर लगा सकते हैं। जैसे सपोज एक क्वेश्चन देखते हैं, क्यूब रूट ऑफ 389017, इसका क्यूब रूट फाइंड आउट करना है क्या होगा। ऑप्शन में दिया हुआ है 71, बी दिया हुआ है 72, सी दिया हुआ है 73 और डी दिया हुआ है 74। तो इसको फाइंड आउट करना है तो फर्स्ट स्टेप क्या है, इसमें लास्ट के 3 डिजिट को देखना है। लास्ट के 3 डिजिट में यूनिट प्लेस को अपन कैप्चर करेंगे, यहाँ क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। तो इस वाले फॉर्मूले से अपन देखते हैं, अगर यूनिट प्लेस में 7 है तो उसका आंसर क्या होगा, 3 होगा। मतलब इसको आगे सॉल्व करने का ज़रूरत नहीं है, यहाँ ऑप्शन में देखना है 3 किसके पीछे में है, 73 में है, तो ये वाला ऑप्शन टिक करके नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे। इसी तरीके से एक अगर और क्वेश्चन दिया हुआ है, 970299, इसका अपने को एक क्यूब रूट फाइंड आउट करना है, कैसे करेंगे इसके लिए यही ट्रिक फिर से अपनाना है। लास्ट से 3 डिजिट फिर सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट कर लिए, यहाँ लास्ट में यूनिट प्लेस में क्या है, 9 है। तो ये अगर टेबल याद है, मतलब ये ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक, अगर ये ट्रिक याद है तो इससे
ऑप्शन से ही अपन फाइंड आउट कर सकते हैं क्या आंसर है। अगर मान लो इसका ऑप्शन में दिया हुआ है, अगर 91 दिया हुआ है, बी में दिया हुआ है 92, सी में दिया हुआ है 99, डी में दिया हुआ है 98, इस ऑप्शन से पिक करना है। तो हमको यूनिट प्लेस में पता है 9 है, तो 9 का अपन अगर ये ट्रिक याद है, 9 का हमेशा क्यूब रूट निकालेंगे तो 9 आता है, यूनिट प्लेस में 9 है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बिना आगे सॉल्व किए 9 जिसके लास्ट में है उसको टिक करेंगे और लास्ट आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। इसी तरीके के आगे भी ट्रिक्स में अगर बने रहना है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक बटन जरूर दबाइएगा। धन्यवाद।